बोलो जय श्री राम, जय माता जी। दोस्तों, मैंने बोला था ना आपको कि ऐसी कई नए सारे बहुत कुछ वीडियो होंगे जो यार अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े होंगे। तो चलो आज मैं आपको ना कुछ ऐसा बताऊंगी जो शायद आपको पता नहीं होगा, पर हमारे रामलला की सासरी माता सीता जी जो नेपाल से है, तो यार वहां पर रामलला की गुंज ना हो वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे प्यारे रामलला की सासरी नेपाल से भी बहुत कुछ जाने वाली है चीजें, जो अयोध्या और क्या कब कैसे कहां सब कुछ मैं बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखो, बहुत ही मजेदार होगा, पर मत करना वरना पता है ना दाल के बिना तो चावल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको मैं बताती हूँ कि नेपाल के जनकपुर से अयोध्या हमारे राम लल्ला के पास ना सनेस की यात्रा पहुंचने वाली है। हमारे राम जी की ससुराल से 1100 सनेसा गोरखपुर पहुंचा, तो वहां के रहवासियों ने बहुत ही शानदार उनका स्वागत किया। और नेपाल ही नहीं पर हर घर घर और हर शहर में अयोध्या राम मंदिर को लेकर बहुत ही खुशी का माहौल हो चुका है। हर जगह पर और हर इंसान राम लल्ला के सासरी वाले यानी कि माता सीता के मायके से सैकड़ों लोग 1100 सनेस लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। और यात्रा में अनेक लोगों ने अपने राम लल्ला के लिए अपने अंदाज में गीत भी गाया। फिर खुशी मनाते नाचते गूंजते अयोध्या राम मंदिर जाने के लिए गोरखपुर से निकले। नेपाल वालों ने यह भी बोला था कि माता सीता जो घर के मतलब कि हमारी बेटी जो घर से सनेस यानी कि सौगात भेज रहे हैं, वह सब वस्तु यानी कि चीजें लेकर ना वो सब अयोध्या राम मंदिर निकलेंगे। और सोना चांदी के साथ साथ 56 भोग और साथ में पवित्र जल, ये सब कुछ लेकर करीब 150 लोग नेपाल से अयोध्या पहुंचने वाले है। यह सब अयोध्या जाकर रामलला को यानी कि रामचंद्र भूमि ट्रस्ट को भेंट करेंगे। ये भी बता दो कि अयोध्या में राम भक्तों के लिए खास इंतजार किए गए। सीता रसोई में हजारों लोग रोजाना खाना खाते हैं और यहाँ की एक खासियत है कि कोई यहाँ से भूखा पेट जाता ही नहीं है। तो आज की वीडियो जो नेपाल से अयोध्या जाने वाली हर चीज आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में पक्का बताना। राम मंदिर और अयोध्या से जुड़ी सारी वीडियो इतना प्यार दो कि यार उसको ना अयोध्या तक तो पहुंचा ही दो वीडियो को, तो मुझे ना ये विश्व भर में गूंजता हमारे रामलला के प्रति प्रेम और अच्छा सुकून देता है यार। तो चलो आज की वीडियो में मुझे कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे आने वाली हर राम मंदिर और अयोध्या से जुड़ी कुछ अनोखी और ऐसी बातें जो हमें पता ही ना हो, ये सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन को पक्का दबा दो ताकि नोटिफिकेशन पहले ही आपसे आ जाए। तो चलो मिलते हैं, टट्टा बाय बाय, जय श्री राम।